तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गया आपका भाई एक न्यू वीडियो लेकर। तो यार आज की वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हाँ कॉइन्स कैसे बनाना है, क्योंकि सिंगापुर पे तो भाई हर कोई नहीं खेलेगा क्योंकि ऑटो प्ले के वजह से कॉइन्स तो खाली लॉस ही होता है सिंगापुर पे। इसके अलावा तुम लोग सबके लिए यार कॉइन्स बनाने की एक न्यू ट्रिक लेके आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो यार, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार आप लोग के लिए बनाता हूँ। पहले यार एक काम कर दो, सब्सक्राइब और लाइक कर दो, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं एकदम अच्छे से। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को ऐसी एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अनलिमिटेड कॉइन्स बना सकते हो। जी हाँ भाई, आप अनलिमिटेड कॉइन्स बना सकते हो इस ट्रिक के मदद से। तो फर्स्ट थिंग, तो जैसे आपको मैंने बताया था कि आप लोग को सिंगापुर टेबल बिल्कुल भी नहीं खेलना है। तो जैसे कि छोटे प्लेयर्स रहेंगे तो वो लोग तो भाई उनके पास कॉइन्स ही नहीं होते, तो वो लोग सिंगापुर कहाँ से खेलेंगे। इसीलिए आप लोग के लिए जो वीडियो है ना, मुंबई अरीना और कायरो गैलरी ये मिक्स होने वाली है। इसमें आपको कंटिन्यू फर्स्ट टर्न लेने की मैं ट्रिक बताऊँगा कि आपका ही टर्न आएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपका ही टर्न आएगा, कंटिन्यू आपके टर्न आएंगे भाई। ये जो ट्रिक है ना, ये मैंने यार काफ़ी बार आजमाया हूँ, सिंगापुर पे भी आजमाया हूँ, और आपको आज लाइव प्रूफ के साथ पूरा दिखाने वाला हूँ कि मुंबई अरीना और कायरो गैलरी में कंटिन्यू टर्न कैसे लेना है। तो वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखना ताकि आप लोग बिल्कुल मिस ना करो कि हाँ आपको करना क्या है। देखो, ये सेकेंड गेम हमारा कनेक्ट हुआ था कायरो गैलरी में। सब फ्री स्टाइल के गेम प्ले बताने वाला हूँ आपको, जिससे आप लोग इजी से बोर्ड फिनिश कर सको जो ऑटो प्ले से नहीं खेलते हैं। तो जैसे कि मेन थिंग आप लोग को तो पता ही है कि मिनी क्लिप कंटिन्यू फ्री स्टाइल में तो टर्न देता नहीं है, वो अपना एल्गोरिदम हमेशा चेंज करता है ताकि आप लोग को कम टर्न मिले। तो यार इसीलिए मैं अपने इस चैनल पर हमेशा ज़्यादातर आप लोग की पसंद के और आप लोग के डिमांड से ही सारी वीडियोस लाता हूँ कि फर्स्ट टर्न ट्रिक वीडियो, क्योंकि आप लोग कैरम इसीलिए खेलते हो ताकि आपके पास कॉइन्स बने, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स बनेंगे तो आप ज़्यादा बड़े बड़े बोर्ड खेल सकते हो। तो इस सारी ट्रिक्स जानने के लिए भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप ज़रा भी वीडियो स्किप करोगे तो आप मिस कर दोगे कि हाँ किस पॉइंट पर आपको क्या करना है। तो इसीलिए भाई एंड तक वीडियो देखो, कंटिन्यू भाई आपको टर्न मिलेंगे, ये चीज़ आप नोट कर लो। और आप लोग ध्यान से देखो वीडियो को, मैं लाइव और रियल ट्रिक बताता हूँ भाई आप लोग को, कोई फेक नहीं, एकदम लाइव आप लोग के सामने दिखाऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखो कि मैं कैसे फिनिश कर रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ, सारी ट्रिक्स आपको भी ऐसे ही यूज़ करनी है। तो देखो अब ये बोर्ड फिनिश होने दो, देखो अब क्या करना है। अब ये देखो यहाँ पर यू बिन हो गया, अब इधर आपको डायरेक्ट मिनिमाइज करके हटा देना है, पूरा क्लियर करना है, फिर वापस से आपको कैरम पुल चालू करना है। तो जैसे कनेक्टिंग होगा, ये देखो ये ऐड या वगैरह जो भी आएगा आपको स्किप कर यहाँ पे एक लेजेंडरी स्ट्राइकर चेंज कर लेना है, फिर एक ब्लैक पक, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पावर, जैसे कि इससे पहले हमारा एक लेजेंडरी था और पावर हमारा फ्लेयर था, तो सेकेंड टाइम करने के लिए आपको फ्लेयर की जगह पे डिफ़ॉल्ट लेना है। देखो भाई ये लाइव, देखो दो का स्टिक चल रहा है हमारा। अब देखो यहाँ से ब्रेक करके इजीली इसको फिनिश कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्न तो हमारा आ गया। अब देखो इसको इजीली फिनिश करेंगे, तो यहाँ से इसको थोड़ा कट लॉन्ग मार देते हैं कि ये फेयर में मैं वीडियो बना रहा था, नो लुलू बॉक्स नो बीटेम कुछ भी नहीं, मैं फेयर में वीडियो अपलोड कर रहा था, यानी फेयर के लिए आपके लिए ट्रिक वीडियो है ये, आप लोग पूरा वीडियो देखो। देखो अभी यहाँ से इजीली इसको ओपन करते हैं, इतना तो सिचुएशन टाइट ही है अभी भी। यहाँ से इसको इजीली यहाँ से क्रॉस करके निकालते हैं स्लो से। अब यहाँ से देखो हमारी पोजीशन पूरी बन चुकी है, राइट से लेके इसको ओपन करते हैं पूरा। यहाँ से इस ब्लैक को मारते हैं इजीली। भाई आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितना हो सके आप लोग इजीली बोर्ड फिनिश करना, कि बहुत सारे लोग रहते हैं यार बोर्ड पूरा फिनिश नहीं कर पाते और ऐसे ही उनके कॉइन्स नहीं बनते, तो इजीली आप लोग बोर्ड फिनिश करना। देखो यहाँ पर इसको वाइट वाले को इजीली खेलते हैं। अब देखो भाई यू विन हो गए हम, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बैक करके हटा देना है पूरा, मिनिमाइज करके सीधा न्यू कैरम चालू करना है अपने को फिर से। इसमें देखो भाई मेरी मिनिमाइज़ की ये ट्रिक देख लो आप लोग, बहुत सारे लोग नॉर्मली मिनिमाइज़ करते हो, लेकिन मैं इस तरीके से करता हूँ तो मुझे कंटिन्यू टर्न मिलते हैं। अब देखो भाई थर्ड गेम हमारा जो कनेक्ट था,
अब ये देखो, इससे पहले हम लोग ने मुंबई खेला था, तो अब ये वाले में हम लोग कायरो गैलरी लगाएंगे। ये देखो भाई, कंटिन्यू 3 का स्ट्रीक और चौथा टर्न भी हमारा। इजीली इसको ब्रेक करके फिनिश कर देते हैं फटाफट। ये हमारा सब्सक्राइबर ही है, बिग फैन भाई। तो यार आप लोगों से काफ़ी लोग यार मुझे सिंगापुर या काफ़ी सारे टेबल्स पे मिलते हो, तो यार आप लोग बिग फैन लिखते हो यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सपोर्ट करते हो इतना। दिल से शुक्रिया यार आप सभी लोग को। चलो फटाफट इस बोर्ड को जल्दी से फिनिश करते हैं एकदम। आपकी हर वीडियो लाइक करता हूँ भाई, थैंक यू सो मच यार भाई। आप लोग ऐसी सपोर्ट दिखाते रहो और वीडियो को यार मेरी पूरा देखा करो यार, क्योंकि मैं एकदम जेन्युइन ट्रिक आप लोग को बताता हूँ। अब देखो भाई, यहाँ से इजीली हम लोग इसको 3 पक्स स्पॉट किए हैं। अब यहाँ से इसको कनेक्शन मार के 2 पक्स। अब देखो यहाँ से इसको कट मार के वाइट को इजीली खोलते हैं। देखो यहाँ से भी हमारी सिचुएशन बन चुकी है अच्छी खासी। अब इसको यहाँ से सिंपल खेल लेते हैं और ये भी गेम हमारा हो गया। अब देखो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ भाई, सेम आपको भी करना है, मिनिमाइज। इससे ज़्यादा टर्न मिलता है, क्योंकि पूरा गेम कट करने से ये होता है कि सर्वर से पूरा हर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। अब देखो कनेक्टिंग हो रहा है, उसके बाद आपको स्ट्राइगर पे जाना है लेजेंड्री, उसके बाद में कोई भी एक बड़ा पावर लेना है, फिर एक पक्स चेंज करना है सीधा फ्री स्टाइल मुंबई अरिना। रैंडम आपको खेलना है यार, जैसे कि मुंबई अरिना एक बार आप लोग ने खेल लिया तो सेकंड गेम आपको कायरो गैलरी खेलना है, इससे आपको ज़्यादा टर्न मिलेगा। देखो 4 का स्ट्रिक था, 5वां भी हमारा टर्न। इजीली इसको भी फिनिश करते हैं फिर। अब यहाँ से इसको कट मार देते हैं, ओपन करते हैं। अब वाइट वाली पॉट करते हैं इसको क्रॉस करके, ये वाली भी पॉट हो चुकी है और फाइनली हम लोग गेम भी जीत चुके हैं। अब देखो भाई, 4 का स्ट्रिक हमारा कंटिन्यू था, 5वां भी जीत गए। अब देखो कनेक्टिंग हुआ, अब इधर पे हम लोग को डायरेक्ट गेम लगाएंगे बिना कुछ चेंज करें कायरो गैलरी में। जैसे आपने एक टेबल मुंबई अरिना खेला, सेकंड टेबल आपको कायरो गैलरी खेलना। और ये देखो भाई क्या ही ट्रिक है यार, 5 का स्ट्रिक, फिर से छठा टर्न हमारा है ना, वर्किंग ट्रिक एकदम। आप लोग भी भाई इसी तरीके से यूज़ करो वीडियो को, और भाई यार लाइक ज़रूर करके जाना और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना यार, क्योंकि आप लोग लाइक या कमेंट करते हो तो यार मुझे अच्छा खासा मोटिवेट होता हूँ मैं, फिर इसी हिसाब से मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूँगा। और भाई जिसने भी ये वीडियो देखी है ना, 110% बोल रहा हूँ भाई गारंटी से कि आप लोग का भाई टर्न वाला प्रॉब्लम इस वीडियो से कन्फर्मली भाई एकदम सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही यूज़ करो भाई, मैं यार अपनी 150 वाली आईडी में भी भाई यही ट्रिक यूज़ करता हूँ हमेशा। देखो आप लोग के सामने 150 वाली लाइव आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ वीडियो का। 150 लेवल में यार बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार बड़ी आईडी में टर्न नहीं मिलता है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं रहता है। आप लोग बड़ी आईडी में खेलो या छोटी आईडी में खेलो, टर्न सबको एक ही बराबर मिलता है, बस आपको ये है कि यूज़ करने आना चाहिए वो ट्रिक को। तो मेरे चैनल पर बने रहो हमेशा, मैं आप लोग के लिए ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक्स वीडियो लाता रहूँगा, और गिव अवे भी आने वाले हैं जल्दी, तो सब्सक्राइब करके अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक डायरेक्टली पहुँच सकें। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही वॉइस ओवर था, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।